हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय गुड फूड चैनल। आज हम चावल और लौकी का छिलका बनाएंगे। इसे आप चिल्ला भी कर सकते हैं। यह खाने में टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। यह बच्चों बड़ों सभी को पसंद आता है। उम्मीद करती है यह आप सभी को भी पसंद आएगा। छिलका बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कप अरवा चावल और 1 कप चना दाल को हमने 5-6 घंटे के लिए पानी में सोख करके रख दिया था। उसे अच्छे से धोकर साफ करके इसे एक बाउल में रख लिया है। इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसाले में हम 10-12 लहसुन की कलियां, 4 लाल मिर्च, हरा मिर्च भी ले सकते हैं इसकी जगह पर, और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच खड़ा जीरा, 1/2 छोटी चम्मच नमक और 1.5 कप हम ग्रेट किया हुआ कद्दू दिया है। इसके सॉफ्ट बीज को भी हमने लिया है। अगर बीज इसका हार्ड हो तो उसे हटा दें। और 2 टेबल स्पून कटा हुआ हरा धनिया लिया है। सबसे पहले हम चावल दाल को पेस्ट बनाने के लिए एक मिक्सर जार लेंगे। इस तरह से हमने इसे मिक्सर जार में ले लिया है। साथ में इसमें लहसुन और लाल मिर्च और हींग को डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा चलने लायक पानी डाल देंगे और इसको हम पीस लेंगे। इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से हमने इसे पीस लिया है। अब इससे हम इसका छिलका बनाने के लिए एक बाउल लेंगे और उसमें हम इसका आधा मिश्रण को निकाल लेंगे। इस तरह से हम थोड़ा सा मिश्रण एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें हम ग्रेट किया हुआ लौकी मिला देंगे। अब हम इसमें ग्रेटेड एक कद्दू का लौकी का आधा हिस्सा इसमें मिला देंगे। साथ में धनिया पत्ता भी मिला देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम खड़ा जीरा थोड़ा सा मिला देंगे। साथ ही हम इसमें स्वाद अनुसार नमक भी मिला देंगे। 1/2 छोटी चम्मच नमक मिलाया है और 2 पिंच हम इसमें हल्दी पाउडर मिला देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह अभी बहुत ही गाढ़ा है तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए इसका एक ऐसा पेटर तैयार करेंगे जो ज़्यादा ना गाढ़ा हो और ना ज़्यादा पतला। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ही पानी मिलाएंगे। तो इस तरह से हमने इसे मिला के बैटर तैयार कर लिया है। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर हमने तावा बैठा दिया था। तावा गर्म हो चुका है। हमने यहाँ पर नॉर्मल तावा लिया है। आप इसके जगह पर नॉन स्टिक तावा भी ले सकते हैं। तो हम ऑयल से इसे ग्रीस कर देंगे और एक बार बैटर को जब भी छिलका बनाए तो इस तरह से एक बार इसे चला लें और कलछी की मदद से हम बैटर को लेकर इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से इसको गोल शेप देते हुए बिल्कुल पतला फैला लें और इसे हम 1 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे ताकि लौकी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 1 मिनट हो गया है और ऊपर से ड्राई हो गया है। तो अब हम इस पर ऑयल थोड़ा अप्लाई करेंगे ब्रश या कपड़े की मदद से और हम किनारे में भी थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। यह बहुत कम तेल में यह छिलका बनकर तैयार हो जाता है। गैस पे चूल्हा से इसे हम इस तरह से छुड़ा लेंगे ताकि छिलका टूटे नहीं और इसे पलट के हम दूसरी तरफ भी सेक लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है और हम दूसरी तरफ भी इस तरह से दबाते हुए इसे हम सेक लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसे एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसी तरह से हम सारे छिलकों को बना लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा छिलका भी तावा पर डालेंगे। आप देख सकते हैं इसे हम बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से कलछी की मदद से फैला लेंगे और 1 मिनट के लिए इसे हम ढक देंगे। जब ये ड्राई हो जाएगा या ड्राई हो गया है तो हम ऑयल इसे अप्लाई करेंगे और स्पैचुला की मदद से इसे हम पलट लेंगे और उलट पलट के हम इसे सेक लेंगे। इस टेस्टी और हेल्दी छिलके को आप जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट कर बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी और मेरे चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।